अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोटे बच्चों की लंच बॉक्स के लिए झटपट आसान से बनने वाली रेसिपी, जो एकदम जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, तो मैंने इसे कैसे बनाया स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं, इनको हाथों से हम मैश कर लेंगे। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, बॉईल किए हुए हैं, इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे कट कर कर, और ये 1 गाजर है जिसको कद्दूकस की कर कर हमने इसमें डाला है, और ये थोड़ी सी 2 टेबलस्पून मटर है जिनको बॉईल कर कर डाला है, और ओरिगेनो डालेंगे इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे आप, और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे इसमें, साबुत जीरा है, और 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे अच्छे टेस्ट के लिए। अब अच्छे से हम इसे सब सारी सब्जियों को मिक्स कर देंगे। अच्छे से सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप अपने पसंद की सब्जी डाल सकते हैं इसमें। अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम, इसकी टिक्की बनाएंगे। हाँ इस तरीके से हम इसकी टिक्कियां बना लेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से सारी टिक्कियों को बना लेंगे। मैं इसमें सेवैयों का यूज करूंगी, आगे आपको बताऊंगी। तो ये देखिए एक एक करके सारी आलू की टिक्कियां बनाकर हम रख लेंगे। इतने में ये 8 से 7 टिक्कियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसका एक घोल बनाएंगे। ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। आप चाहें तो हनी मैदा भी ले सकते हैं, और कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, और दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। घोल ज़्यादा पतला नहीं बनाना है हमें, जैसा हम पकौड़ों के लिए बनाकर तैयार करते हैं, इस तरीके का हमें घोल बनाकर तैयार करना है, इस तरीके का। अब इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए, थोड़ा सा। अब एक एक करके आलू की टिक्की को हम इसमें डिप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से डिप करेंगे। और ये मैंने सेवैयाँ ले ली हैं, आप चाहें तो ब्रेड क्रम भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये मैंने सेवैयाँ ली हैं, और सेवैयों को भी हम इसमें कोट कर लेंगे अच्छे से, खूब अच्छे से हाथों से लगा देंगे इसमें। इस तरीके से हम कोट कर लेंगे। अब सारी टिक्कियों को हम कोट कर कर इस तरीके से तैयार कर कर रख लेंगे। अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने रख दिया है, हम इनको डीप फ्राई करेंगे। एक एक करके हम इसमें टिक्कियां ऐड करेंगे, और गैस को हम कम ही रखेंगे, और इनको डीप फ्राई करेंगे। इन पर हल्का सा सुनहरा कलर आने तक। आप इन्हें चाहें तो रात को भी बनाकर रख सकते हैं, और सुबह जल्दबाजी होती है तो ये बन इस तरीके से सिर्फ डीप फ्राई कर आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सुनहरा कलर जब इन पर आ जाए तो हम एक एक करके इनको निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी टिक्कियां डीप फ्राई कर लेंगे। ये इस तरीके से डीप फ्राई हो चुकी हैं, ये बच्चों को खाने में बेहद पसंद आती है। अब हम बच्चों को लंच में इसे रख कर दे सकते हैं। बच्चे सारा लंच साफ कर कर आएंगे, चट कर कर आ जाएंगे। ये देखिए आप एक बार बच्चों को बनाकर जरूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और अपने फैमिली मेंबर में शेयर करें। इन्हें बनाकर फ्रीज में स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। तो सुबह में जल्दबाजी होती है तो बच्चों को लंच में डीप फ्राई कर कर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।